आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आज से बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 ब्रांच में 2000 के नोट बदलने बैंकों में शुरू हो चुके हैं। वहीं बैंकों में पहुंच रहे लोगों का कहना है कि बैंकों में भीड़ कम है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि किसी से 1 लाख रुपए जमा कराए जा रहे हैं। तो बैंकों में पहुंच रहे लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने नोट बंद करने का फैसला जो लिया है वो गलत है, क्योंकि लोगों को इससे ज्यादा परेशानी हो रही है। आज के समय में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि बैंकों में लाइनों में खड़ा रहे और पैसे जमा करे। सरकार के इस फैसले से लोग नाराज हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार कभी तो 2000 की करेंसी चालू करती है और कभी बंद कर देती है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2000 की करेंसी सबसे बड़ी करेंसी है, खुले करवाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे में आज से आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 2000 के नोट बैंकों में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैंकों में भीड़ कम होने के चलते 2000 के नोट सरकार सही कर रही है, जो करना है खुले की दिक्कत हो जाती है, बहुत कम है भीड़। क्या कारण मान रहे लोग क्यों नहीं बैंकों में पहुंच पा रहे, क्योंकि सरकार ने 3 महीने का समय दिया है 2000 के नोट बंद कर दिया है। क्या लगता है कि 2000 के नोट जो है मार्केट में पूरी तरीके से जमा हो पाएंगे बैंकों में? हो जाएंगे, जो जिनके पास करेगा करेगा, जिनके पास नहीं है बेचारा क्या करेगा। इतनी नोट आल लगे तो भैया सरकार तो बंद करेगी। तो सही मान रहे हो नोट बंद करने को? और क्या, ठीक। मेरा नाम सरिया जी, स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए था नोट, सबसे बड़ी करेंसी तो यही है, इससे काला धन तो हो जाता, स्टोर होगा पहले से ज्यादा, बिल्कुल जमा कर देने चाहिए। बैंक में अंदर आप गए थे अभी, तो क्या आपने भीड़ देखी बैंकों में? भीड़ है नहीं, खास तो भीड़ नहीं है फिलहाल। क्या लगता है लोग कहीं ना कहीं बैंकों में नहीं पहुंच रहे हैं 2000 के नोट नहीं पहुंच रहे, वो नोट नहीं आ रहे, तो क्या जमा हो पाएंगे 3 महीने के अंदर वो जो सारा पैसा जो स्टॉक लोगों ने? जिसके पास पैसा जाएगा वो तो जमा होगा, जिसके पास ना जाएगा वो इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, क्योंकि 10 नोट की जो सरकार ने रूल निकाला है इतनी जल्दी 10 नोट कट गए तो जमा नहीं हो सकता। ठीक। नीरज जी, SBI बैंक पहुंचे हो, सरकार ने 2000 के नोट जो है वो बंद कर दिए हैं और आज 23 तारीख से आज जो है स्टार्टिंग कर दी गई बैंकों में जाकर जमा कर सकते हैं, कितना सही मान रहे हो और कितना इससे फायदा है और कितना नुकसान है? देखिए, जैसे बैंक में जमा करने की बात है, सरकार ने नियम बनाया कि 10 नोट तक हम बिना अकाउंट के भी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया, अकाउंट होगा तो अकाउंट में जमा होंगे, वैसे एक कुत्ता नहीं बदलता है। तो परेशानी है, समय की बर्बादी हो रही है जनता की और नुकसान ही है। देखो, हर आदमी मेहनत मजदूरी और समय अपना निकालना आज के टाइम में समझ लो अपने तो आम दिनों की तरह ही है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। ज़्यादा भीड़ नहीं है।